हेलो प्रिटी गर्ल्स। तो आज मैं अभी अभी जस्ट जागी हूँ और आज मैं मेरे मायके में हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक व्लॉग शूट करूँ, तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप देख सकते हो मेरा चेहरा, अभी अभी जस्ट जागी हूँ मैं एंड आई वॉन्टेड टू शूट अ डे इन माई लाइफ। और मैं ऐसा वीडियो शूट करना चाहती थी जो आप कह सकते हो कि मेरा पहला दिन मायके में। तो शादी के बाद मैं आज पहली बार मायके आई हूँ, सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू डू दिस वीडियो फॉर यू गाइस। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक दे दीजिए। एंड अगर आप ये ब्लॉग पहली बार देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का अपडेट्स मिलते रहे। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो देन वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मैं जाकर ब्रश कर नहाकर फिर से वापस आपसे मिलती हूँ। सो हाई, आई एम बैक अगेन और अब मैं और मेरे हस्बैंड रेडी है और हम लोग मंदिर जाने वाले हैं। तो आई विल टेक यू विद मी टू टेम्पल, सो लेट्स गो। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेम्पल एंड मेरे हस्बैंड ने कैमरा पकड़ा है मेरे लिए, नहीं जम रहा है। तो ये मंदिर मेरे घर के पास ही में है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग बाय वॉक। एंड एक्चुअली आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो मैंने जो भी बोला वो ठीक से नहीं सुनाई दे रहा था, तो दैट्स व्हाई मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पर दोबारा। जो भी मैं बोल रही हूँ वही सब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। और पहले लाइक हम लोग शाम में जाते थे मंदिर बिकॉज हम लोग जॉब करते थे या कॉलेज रहता था, अब तो घर पर है, सैटरडे संडे है, तो लाइक वी आर गोइंग टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। एंड बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो। सो ये रहा मेन गेट ऑफ द टेम्पल एंड नाउ आई एम गोइंग इनसाइड। काफी अच्छा लगता है टेम्पल में जाना मुझे, आई एम गोइंग फ्रॉम चाइल्डहुड एंड मैं रोज जाती थी पहले टेम्पल, फिर उसके बाद लाइक आई लाइक स्टार्टेड बीइंग रियली बिजी बिकॉज ऑफ द जॉब, तो आते आते घर लेट हो जाता था। तो उसके बाद से लाइक हफ्ते में दो बार या तीन बार जाती थी मंदिर जब लाइक छुट्टी होता था तब। चाहती थी तो आई शो यू दैट। सो मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, तो अब मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो मेरी नानी ने इतने सारे काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइस। ये तुलसी है,
ये पुदीना है, काफ़ी सारे लगाए हैं मेरी नानी ने, वो एलोवेरा का भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फूल भी आया हुआ है, कली और फूल दोनों हैं। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइस। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये जो डॉगी है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी मॉम ने और मेरी नानी ने मिलके घर पर बनाया था, सो इट्स होममेड। काफ़ी ज़्यादा प्यारा एंड क्यूट लगता है मुझे, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लगाया था एंड इट्स स्टिल देयर एंड इट विल बी देयर। बोलता देखो क्या रे, क्या दिखा रहे बेटा? वीडियो दिखा रहे। हाय हाय, हाउ आर यू? तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर, अप्पम खा रहे हैं हम दोनों, क्योंकि बाकी सबका नाश्ता हो गया है घर पर, सिर्फ हमारा एक बाकी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू ईट आर लंच, और लंच में चाइनीज़ है, बाहर से मंगाया है। दिस इज़ फ्राइड राइस एंड मंचूरियन, ये मनचाओ सूप है, और ये फ्रैंकी है, और ये मेरी बहन का पास्ता है, एंड ये फ्रूटी भी है। मेरी बहन है, शी इज़ वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ हर कॉलेज, सो दैट्स व्हाई। एंड वी आर वॉचिंग शिनचैन। एंड यहाँ पर मैं ये सेजवान नूडल मंचूरियन फ्रैंकी खा रही हूँ, इट्स रियली टेस्टी। सो गाइस, दोपहर में लाइक सो गए थे, तो ज़्यादा कुछ था नहीं वीडियो में शूट करने के लिए, और उसके बाद मैं लिटरली भूल गई। तो एंड लाइक नाउ चाय पी लिया है, लाइक यू कैन लुक एट द कप्स, आई विल शो यू। ये उनका कप है और यहाँ पर ये मेरा कप है, एंड लाइक मैं भूल गई चाय पी रही थी तो ब्लॉग में दिखाने के लिए। सो अब देखते हैं आगे क्या करूँगी, अभी घर पर ही है फिलहाल, तो देखते हैं। लेट्स सी। अब यहाँ पर हम लोग ये चना भेल खा रहे हैं खुद ही बनाकर घर पर, एंड यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैंने कैमरा पकड़ा है तो मिक्स कर रहे हैं भेल, चना भेल। आपको क्या खाना पसंद है इवनिंग में? ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू ईट पेटिस, मेरी नानी ने बनाया है, कुछ ना कुंडा वेसुकोंडा टुडे स्पेशल। सो डिनर हो गया है हमारा, एंड लाइक अभी हम लोग सोने जा रहे हैं, तो मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ ऐसे ही थोड़ा वीडियो में, बिकॉज़ वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस माय बैग एंड व्हाट ऑल आई कैरीड इन दिस बैग, सो आई विल शो यू दैट। सो मैंने ये बैग कैरी की हुई है, इस पर पैरिस लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा एंड प्यारा स्लिंग बैग है, एंड लाइक ये लोकल मार्केट से ही, आई गेस वीटी से कहीं से ख़रीदा था, बुलेश्वर मार्केट से मेरी मॉम ने मेरे लिए, तो आई गेस ये कुछ 200 या 300 रुपीज़ का था, लाइक 2 साल पहले ख़रीदा था आई गेस, 2-3 साल पहले, एंड स्टिल आई एम यूजिंग इट बिकॉज मैं बैग ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, अब भी मैं यूज़ कर रही हूँ बैग, बिकॉज अभी जाना आना लगा रहता है मायके से।
तो इसीलिए यूज़ करती हूँ। तो मैंने इस बैग में ये रखा था सबसे पहले इंडस वैली का ग्रो आउट शैम्पू, एंड लाइक मैंने सोचा था कि मैं शैम्पू करूँगी तो वो काम आएगा, इसलिए मैंने रखा था। और मैं लाइक शैम्पू चेंज नहीं करती हूँ, अगर एक बार अच्छा लगेगा कुछ तो स्टार्ट करती हूँ यूज़ करना। एंड उसके बाद मैंने मेरे स्किन केयर रूटीन के लिए रखा था, बिकॉज मैं मेरा स्किन केयर रूटीन कभी नहीं छोड़ती हूँ, बहुत रेयरली ही छोड़ती हूँ। तो मैं नाइट टाइम स्किन केयर हमेशा फॉलो करती हूँ। एक सो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो ये है, विच इज़ स्किन डेवा विटामिन सी एंड ई टेरुलिक एसिड सीरम। तो ये फेस सीरम मैं हर रोज़ रात में लगा रही हूँ आजकल, तो ये लगाती हूँ सबसे पहले मैं फेस पर। एंड देन द सेकेंड प्रोडक्ट विच आई अप्लाई इज़ दिस वन, इट इज़ अर्बन बोटैनिक्स अंडर आई क्रीम। और मुझे डार्क सर्कल्स है थोड़े बहुत, तो इसीलिए मैं लाइक ये जो क्रीम है ये लगाती हूँ। एंड द थर्ड प्रोडक्ट विच इज़ दिस वन, इट्स ट्रूफेला एंटी एजिंग क्रीम विथ एलो सैफ्रन एंड सैंडलवुड। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लाइक नॉन स्टिकी है, लाइट वेट है एकदम, तो बहुत अच्छा है। ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट है ये, तो अगर आपका भी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड देयर शुड बी वन मोर प्रोडक्ट, या और एक प्रोडक्ट ये है, इट इज़ ट्रूफेला हिबिस्कस हेयर सीरम। एंड आप देख सकते हो इधर बस एक हैंकी बचा हुआ है, एंड फिर यहाँ पर लाइक ईयरफोन्स है, फिर चार्जर्स थे मेरे और मेरे हस्बैंड के, वो अब लाइक बाहर रख दिया है चार्जर्स दोनों चार्जिंग के लिए। एंड बस ये मेरा लाइक पीडी वगैरह है, पेन ड्राइव है, दो पेन ड्राइव है, एंड यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए अभी जैसे मैं ब्लॉग करने वाली हूँ तो पेन ड्राइव काम आता है काफ़ी ट्रांसफ़र करने में फाइल्स वगैरह। और यहाँ पर ये हनुमान चालीसा का बुक है, आज जब मंदिर गई थी तो मैंने लिया था, मेरे हस्बैंड ने लिया था। और यहाँ पर कुछ कैश है पीछे, और फिर जब हम बंद करेंगे तो पीछे और एक है लास्ट, ये एक मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर बस ये नेल कटर है और कुछ नहीं है। नायका सीरियल किसर लिप बाम लगाया है इन द वेरिएंट पिना कोलाडो। और लाइक मेरे यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ में जहाँ रहती हूँ मैं, वहाँ पर मैंने पीच वाला वेरिएंट रखा है, तो वहाँ पर मैं बस वेरिएंट चेंज कर रही हूँ, बट आई एम अप्लाइंग द सेम लाइक ब्रांड वाला लिप बाम। तो नायका का ही लिप बाम यूज़ करती हूँ मैं फ़िलहाल, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो इसीलिए वही यूज़ करती हूँ। Set ideas for the video. I'll end this vlog in a good note and like good night. अब हम लोग सो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा time हो गया है, it's like more than 11:30, so I'll end it and good night. Bye bye.